हे गाइस, मैं हूँ सूरज कर्नल और स्वागत करता हूँ आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लावा A9 फोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स कैसे सेव कर सकते हैं, वो चीज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस बारे में। तो अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट जो है सेव करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो नंबर है सामने वाले पर्सन का वो लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सामने वाले का जो फोन नंबर है आपने लिख लिया। लिखने के बाद इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखता है ये वाला, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इधर सेव टू फोन बुक का ऑप्शन दिखाई देगा। इधर लिख व्यू में उसको आपको जो है यहाँ पर टैप करके ऐसे कुछ कर लेना है। यहाँ पर आपको उस पर्सन का जो नाम है वो लिख देना है। लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ SUR AJ। उसका फोन नंबर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जहां पर आप वहां से समझ सकते हैं कि हाँ, ये फोन नंबर सही डाला है मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, इसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पर इसके बीच के ऊपर टैप करेंगे तो ये जो है आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्स्ट में जाके देखते हैं सेव हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट बुक में ये जो है सेव हो चुका है। जहां पर मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता कि मैं कॉन्टेक्ट बुक में जाकर, क्योंकि ये ना वहां पर मेरा जो पर्सनल फोन नंबर है वो भी दिखाई नहीं लगे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर जाके दिखाया। जहां पर इस तरीके से आप जो है अपना कॉन्टेक्ट नंबर किसी का पर्सन जो है सेव कर सकते हैं अपने लावा A9 फोन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक करेगा, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।